सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंघाड़े के आटे का केक। सिंघाड़े के आटे का केक बनाने के लिए हमें इन सारे सामग्री की जरूरत होगी। 2 कप हमने सिंघाड़े का आटा लिया है, 1 कप पिसी हुई चीनी, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच कोको पाउडर, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच दही, 1 नींबू का जूस, 1 कप दूध, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और वनीला एसेंस। हमने सारी चीज़ों का माप इस साइज़ के कप से निकाला है। हमने हल्के गुनगुने दूध में नींबू का रस डालेंगे। और इसे 5 मिनट रहने देंगे ताकि हमारा दूध फट सा जाए। सबसे पहले हम एक बर्तन में छन्नी रखेंगे, फिर हम उसमें सिंघाड़े का आटा छान लेंगे। थोड़ा सा छानने के बाद उसमें हम मिल्क पाउडर, कोको पाउडर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर सब चीज़ें डाल के छान लेंगे। अब लास्ट में हम चीनी को भी छान लेंगे। हमने सारे सामग्रियों को छान लिया है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और दही डालेंगे। और ये जो दूध में हमने लेमन जूस डाला था, अब हमारा दूध ऐसा हो चुका है, इसे भी हम थोड़ा थोड़ा डाल के बैटर में उससे मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। हमने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे फेंट लेंगे। हमारा बैटर थोड़ा थिक है इसलिए इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। हमें बैटर को ना ज़्यादा थिक रखना है और ना ज़्यादा पतला करना है। हमारा बैटर अच्छे से फिट चुका है, हमें इस कंसिस्टेंसी में अपना बैटर रखना है और इसे हम करीबन 15 से 20 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं, अब 1/2 चम्मच आटे में हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे और उसे मिक्स करके हमारे बैटर में डाल देंगे ताकि टूटी फ्रूटी नीचे बैठे ना।
हमने एक कंटेनर लिया है और उसमें ऑयल लगा दिया है। अब हम इसमें हमारा बैटर डालेंगे। और इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी टूटी फ्रूटी गार्निश करेंगे ताकि हमारा केक और भी सुंदर लगे। अब हम एक पतीली में नमक डालेंगे और उसे गर्म होने रहने देंगे 5 मिनट। हमने पतीली का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि पतीली में केक हमारा जल्दी पक जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा नमक गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐसा स्टैंड रखेंगे और उसमें हमारा केक का कंटेनर रख देंगे। और इसे एक बर्तन से कवर कर देंगे और इसे हम हाई फ्लेम में 10 मिनट तक पकाएंगे और लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। और इसके बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे कि हमारा केक पक गया है कि नहीं। हमारा केक बन चुका है, हम एक बार चेक कर लेंगे इसे, ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा केक रेडी हो चुका है, ये खाने में बहुत ही डिलीशियस है और उतना ही स्पंजी भी है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ हमारी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you.